चिल्ड्रंस वेलकम टू जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर छवि शुक्ला। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईवीएस क्लास फिफ्थ चैप्टर सेकंड आवर लाइक्स एंड इट्स लाइक्स, हमारी पसंद और नापसंद के बारे में। ठीक है, आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू हियर सी टेस्ट स्मेल एंड फील थिंग्स अराउंड अस। हमारे सेंस ऑर्गन हमें सुनने देखने स्वाद लेने गंध और महसूस करने में हमारी मदद करते हैं। वी ऑल हैव सिमिलर सेंस ऑर्गन दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन बट आवर ब्रेन सेंस देम डिफरेंटली। वी ऑल हैव सिमिलर सेंस और हम सभी एक जैसे ही सेंस ऑर्गन हम सभी के पास हैं और सेम फंक्शन एक जैसे ही है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उन्हें अलग तरह से महसूस करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक। इसी का यह कारण है कि हमारी लाइक और डिसलाइक अलग अलग तरह की होती हैं। व्हेन आवर सेंस ऑर्गन सेंस समथिंग दैट इंफॉर्मेशन इज कैरीड टू द ब्रेन बाई द सेंसरी नर्व्स। जब हमारे सेंस ऑर्गन को कुछ समझ में आता है तो वह जानकारी सेंसरी नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाता है। द सेंसरी नर्व्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और सेंसरी नर्व्स तो होती है वो मस्तिष्क तक मैसेज सेंड करती है, भेजती है। ओके, द ब्रेन देन प्रोसेस द मैसेज। तब ब्रेन मैसेज को संपादित करता है। आफ्टर दैट, इसके बाद इट सेंड कमांड्स थ्रू मोटर नर्व्स टू द बॉडी पार्ट्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। यह शरीर के अंगों को मोटर नर्व्स के द्वारा आदेश भेजता है, वैसा ही वह कार्य करती हैं। ओके चिल्ड्रंस, आर यू नो दैट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई आवर फैमिली। हमारी पसंद नापसंद हमारे पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर फैमिली। आवर फैमिली ग्रीटली इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा परिवार हमारी पसंद और नापसंद को प्रभावित करता है। कॉमन सी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ पापा को अच्छी लगती है वही हमें भी अच्छी लगती है, होता है कि नहीं होता है। वी इंटरेक्ट विथ आवर फैमिली मेम्बर्स ऑल द टाइम विच इज वाई देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो इफेक्ट अवर्स। हम अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनकी पसंद नापसंद का असर हमारी पसंद नापसंद पर भी पड़ता है। देयर हैबिट्स एंड ओपिनियंस हैव एन इफेक्ट ऑन अस। उनकी आदतों और विचारों का हम पर भी असर पड़ता है। ओके, नेम टू वेज इन विच योर फैमिली हैज इन्फ्लुएंस्ड योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। दो चीज़ें बताइए जो आपको अपने परिवार से असर पड़ा हो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर। कोई दो थिंग्स आप बता सकते हैं जिनका आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर असर पड़ा हो, कि जो चीज़ें आपके यहाँ किसी को पसंद हो वही आपको भी पसंद हो, जो ना पसंद हो वो आपको भी ना पसंद हो, है कुछ ऐसा। लाइकवाइज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हु आर एक्टर्स विल शो इंटरेस्ट इन एक्टिंग। जिन बच्चों के माता पिता अभिनेता या अभिनेत्री हैं उन बच्चों की रुचि अभिनय में ही होती है। लाइक अमिताभ बच्चन एक्टर है तो उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी एक्टर हुआ कि नहीं हुआ। एंड मोर थिंग्स, चिल्ड्रन ऑफ अ वेजिटेरियन फैमिली आर यूजुअली वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन शाकाहारी परिवार के बच्चों को देखा होगा कि वो भी शाकाहारी ही होते हैं। दे डू नॉट हैव अ लाइकिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। वो नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद नहीं करते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी फूड उन्हें खाना मांसाहारी खाना उन्हें पसंद नहीं होता है। अवर सेंस और स्मेल इज लिंक्ड द फूड वी लाइक एंड दोज वी डिसलाइक। हमारे जो गंध सूंघने की जो शक्ति होती है वो हमारे जो खाना हमें पसंद होता है और जो ना पसंद होता है उससे जुड़ी रहती है। वी यूजुअली लाइक द डिशेज वी
विच स्मेल गुड टू अस, यूजुअली हमें वही चीज़ें पसंद आती हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है. वी मे नॉट इन्जॉय ईटिंग डिशेज विच डू नॉट स्मेल गुड टू अस, और वो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं जिनकी स्मेल हमें पसंद नहीं होती है. जैसे बचपन में किसी किसी को करेला बिल्कुल पसंद नहीं होता है, होता है आपको भी शायद ना हो. आइसक्रीम सबको पसंद रहती है, उनकी अच्छी खुशबू आती है तो आपको भी बहुत अच्छी लगती है. बाकी मोस्टली बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू ऑक्यूपेशन रिलेटेड अवर लाइक्स एंड डिसलाइक. अवर ऑक्यूपेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारा जो व्यवसाय होता है वो भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स से जुड़ा रहता है, हमारी पसंद और नापसंद से जुड़ा रहता है. पीपल वर्किंग इन हॉस्पिटल्स डू नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ मेडिसन्स ऑफेंसिव बिकॉज दे आर यूज्ड टू. पीपल वर्किंग, जो लोग हॉस्पिटल में कार्य करते हैं उन्हें दवाइयों की स्मेल अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो उसका उपयोग करते रहते हैं. बट मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक दिस स्मेल. लेकिन बहुत से लोग जिन्हें दवाइयों की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं होती, आपको भी दवाइयों की स्मेल अच्छी नहीं लगती होगी. मेंटल स्टेट, अवर मेंटल स्टेट ऑल्सो समटाइम्स इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक. हमारी मेंटल स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति भी कभी कभी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स से जुड़ी रहती है. When we are having fun by dancing to loud music, we find it very enjoyable. जब हम कभी loud music पर डांस करके मजा कर रहे होते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है. But when we are preparing for examinations or suffering from some sickness, we find the same music unbearable. लेकिन जब कभी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो वही म्यूजिक हमें अच्छा नहीं लगता से मतलब अनवियरेबल मीन्स असहनीय हो जाता है. ओके स्टूडेंट, यू नाउ नो दैट अवर माइंड्स सेंस थिंग्स डिफरेंटली बट अवर सेंस ऑर्गन्स बिहेव सिमिलरली. आप जानते हैं कि हमारा दिमाग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझता है, लेकिन हमारे सेंस ऑर्गन हमेशा समान सिमिलरली व्यवहार करते हैं. ओके, हाउ एवर इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. हालांकि ये हमेशा सही नहीं होता है. देयर आर सम पीपल हुज सेंस ऑर्गन्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली. कुछ लोगों के सेंस ऑर्गन प्रॉपरली कार्य नहीं करते हैं. पीपल हु कैन नॉट सी आर ब्लाइंड. पीपल हु कैन नॉट हियर आर डीफ. While people who cannot speak are called dumb. People देख नहीं सकते वो कैसे अंधे होते हैं. जो people सुन नहीं सकते वो deaf होते हैं, बहरे होते हैं. While people जबकि who cannot speak जो बोल नहीं पाते उन्हें dumb कहते हैं. Dumb means गूंगा कहते हैं. Some children may have a weak brain or some physical disabilities. कुछ बच्चों में छीड़ दिमाग होता है, कुछ बच्चों में शारीरिक अक्षमता होती है. फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन आर स्पेशल चिल्ड्रन. शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत बालकों को स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं. स्पेशल बच्चे कहते हैं. स्पेशल चिल्ड्रन नीड केयर एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन. स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें आवश्यकता होती है बहुत प्यार की और अटेंशन की, बहुत प्यार की और ध्यान की. Aged people also need our care and love. वृद्ध लोगों को हमारी देखभाल की और हमारे प्यार की ज़रूरत होती है. किसे हमारी देखभाल और केयर प्यार की ज़रूरत होती है? वृद्ध लोगों को, बुजुर्ग लोगों को. समझ में आया? People who are blind read books written in a special script called Braille. Who are blind जो अंधे होते हैं read books किताबें read करते हैं written in a special वो एक special script में लिखी हुई किताबों को read कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? Braille. People who are blind read books written in a special script called Braille. Braille is written with the help of a series of raised dots. Blind people can feel patterns of dots
ऑन पेपर विथ द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स एंड रीड व्हाट इज रिटन। ब्रेल लिपि जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, एक उभरे हुए डॉट्स के रूप में लिखी जाती है। ब्लाइंड पीपल जो अंधे लोग होते हैं वो उसे उस पैटर्न पर फिंगर चला के उसे महसूस करते हैं, अपनी उंगली घुमाकर उस पर महसूस करते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। सागर इज डीप एंड डम्ब। सागर गूंगा और बहरा है। ही यूजेस साइन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स टू कम्युनिकेट। अभी हमने बताया था आपको फिंगर की हेल्प से जिस साइन लैंग्वेज होती है जो फिंगर की हेल्प से पढ़ी जाती है वही कहलाती है ब्रेल लिपि। सागर कैन नॉट हियर एंड स्पीक, वह बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। बट सागर इज अ नीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। लेकिन सागर चीज़ों का पर्यवेक्षक है। ही पार्टिसिपेट्स इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन द स्कूल। वह स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं खेल से रिलेटिव जो भी एक्टिविटीज होती हैं सब में क्या करता है, सब में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द फिजिकल चैलेंज पीपल इन वॉट एवर वे वी कैन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फिजिकल चैलेंज शारीरिक अक्षम लोगों की जैसे भी हो वैसे मदद कर सकें। वी कैन बी देयर फ्रेंड्स एंड शेयर आवर टाइम एंड थिंग्स विथ देम। हमें उनका फ्रेंड बनना चाहिए और अपनी चीज़ें और अपना टाइम उनके साथ शेयर करना चाहिए। वी should always encourage them to excel in life। हमें जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। Okay students, now we are going to learn about a famous writer Helen Keller, understand? It is believed that when a person cannot use one sense organ, he relies more on his other sense organs than normal people. It believes, यह माना जाता है जब किसी व्यक्ति का कोई एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है तो वह जिसके उसके पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल से ज़्यादा अच्छे होते हैं। एज अ रिजल्ट दीज सेंस ऑर्गन बिकम मोर इफिशियंट देन दोज ऑफ नॉर्मल पीपल। परिणाम स्वरूप ये बोध अंग जो होते हैं वो नॉर्मल पीपल की तुलना में अधिक कुशल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। इन फैक्ट मैनी फेमस पीपल हैव ओवरकम देयर डिसेबिलिटीज एंड मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड। वास्तव में कई प्रसिद्ध लोगों ने अपनी विकलांगता को दूर कर विश्व में युग एक बड़ा डिफरेंस दिखाया है। वन सच एग्जाम्पल ऑफ अ लेडी हु मेड एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड वाज हेलन केलर। इसका एक जीता जागता उदाहरण विश्व में है हेलन केलर। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड डीफ एंड डम she become a great scholar and developed her life to people with disabilities। अंधे बहरे होने के बावजूद वह एक महान विद्वान बनी और विकलांग लोगों के लिए अपना जीवन विकसित किया। अंडरस्टैंड। हेलन केलर वाज अ हाईली इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव वूमेन। हेलन केलर उच्च इंटेलिजेंट उच्च बुद्धिमान और संवेदनहीन महिला थी। संवेदनशील महिला थी। सी लॉट्स हर साइट एंड हियरिंग व्हेन सी वाज वेरी यंग। उन्होंने अपनी आई साइट नज़र और सुनने की क्षमता जब वो छोटी थी तभी उन्होंने खो दी थी। अंडरस्टैंड। हर फादर अपॉइंटेड अ टीचर नेम्ड एन सुलिवान फॉर हर। उनके पिता ने उनके लिए एक टीचर नियुक्त की थी जिसका नेम था एन सुलिवान। Once the teacher put Helen's hand in water and spelled the word water on her hand। एक बार उनके टीचर ने पानी में उनका हैंड रख के और वाटर वर्ड लिखा जो उनको समझ में आ गया। Helen understood and
आफ्टर दिस सी लर्नड टू रीड एंड राइट इन ब्रेल। हेलन ने उसे समझ लिया और इसके बाद वो ब्रेल लिपि में सीखने लगी और लिखने लगी। सी लर्नड 5 लैंग्वेजेज, वह 5 भाषाएं जानती थी। लेटर सी स्टडीड इन कॉलेज, बाद में उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की। सी वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज, वह पहली महिला थी जिन्होंने अंधे और बहरे होने के बाद कॉलेज से ग्रेजुएट या स्नातक किया था। एज हेलन ग्रू अप, जब हेलन और बड़ी हुई, सी बिकेम अ वर्ल्ड फेमस टीचर, वह एक वर्ल्ड फेमस टीचर बनी। वह एक विश्व प्रसिद्ध अध्यापक, ऑथर, लेखक एंड इंस्पायरेशनल स्पीकर और एक प्रेरणादायक वक्ता भी बनी। स्टीफन हॉकिंस इज अ फेमस साइंटिस्ट हु नोन 7 लैंग्वेजेस। स्टीफन हॉकिंस एक फेमस साइंटिस्ट थे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें 7 भाषाएं आती थी। ही सफर्स फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स डिसीज ड्यू टू विच ही इज कॉन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड हैज नो कंट्रोल ओवर हिज लिम्स। वह मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे जिसके कारण वह व्हील चेयर तक ही सीमित थे और उसका लिम्स पर कोई नियंत्रण नहीं था। अंडरस्टैंड, ही यूजेज अ वॉइस सिंथेसिसर टू स्पीक टू अदर्स, वह दूसरों से बात करने के लिए वॉइस सिंथेसर का यूज करते थे। हिज लेक्चर्स आर हाईली साउट आफ्टर एंड हिज बुक्स आर वेस्ट सेलर्स, उनके व्याख्यान बहुत ही ज़्यादा मांग में थे। आफ्टर हिज बुक्स आर वेस्ट सेलर, और उनकी किताबों की बहुत अधिक बिक्री हुई। ही रिसीव्ड द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द USA ऑन August 12, 2009। उन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था। हाईएस्ट सिविलियन मीन्स उन्हें 12 अगस्त 2009 को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, USA का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। अंडरस्टैंड, जैसे हेलन केलर और स्टीफन हॉकिंस ने फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ इतना कुछ प्राप्त किया, तो जो बच्चे शारीरिक रूप से अच्छे हैं वो क्या नहीं कर सकते। आई होप दैट ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट इसका जो नोट्स हैं वो आपको हम अगले वीडियो में करवाएंगे। टेक केयर, थैंक्स, बाय, टेक केयर।